आज इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित वाक श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वाक श्रृंखला का आयोजन प्रतिमाह किया जा रहा है, उसी की आज यह तीसरी कड़ी है। पहली कड़ी में सांस्कृतिक पत्रकारिता का परिसंवाद हुआ, दूसरी कड़ी में समकालीन कविता के प्रतिनिधि हस्ताक्षरों का काव्य पाठ, जिसमें सर्वश्री मंगलेश डबराल, विष्णुनागर, पंकज राग, मिथिलेश श्रीवास्तव, सुश्री सविता सिंह की कविताओं को आपने सुना। और आज इसी की तीसरी कड़ी में प्रोफेसर नामवर सिंह जी से संवाद आयोजित किया गया है, जिसमें प्रतिभागी हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी। कार्यक्रम के आरंभ में हिंदी आलोचना के शीर्ष स्थानीय व्यक्तित्व, अनेकों किताबों के लेखक और वाचिक आलोचना में विशेष रूप से चर्चित आदरणीय प्रोफेसर नामवर सिंह जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर नामवर सिंह जी, कर्तव्यपरी से आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर नामवर सिंह जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी तालियों से आपका स्वागत करें। प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी जी से भी सादर और विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आसीन हो। प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी जी मंच पर आसीन है, हम उनका भी पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब स्वागत भाषण हेतु निदेशक भारतीय ज्ञानपीठ श्री लीलाधर मंडलोई जी से अनुरोध। परमादरणीय नामवर जी, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, देवी प्रसाद त्रिपाठी जी और केदारनाथ सिंह जी, सबसे पहले केदारनाथ सिंह जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने उम्मीद की ये बात श्रृंखला शुरू की है, उम्मीद है इसे दूर तक ले जाएंगे। ये तीसरा आयोजन है और इसका जो फीडबैक मिला है उसमें लगातार ये बात होती रही है और पत्र भी आए हैं कि ये जो श्रृंखला है अगर आगे चल सके और इसमें न केवल दिल्ली बल्कि दूसरे राज्य भी शामिल हो सकें तो बेहतर होगा। ये कितना मुमकिन होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए दुर्लभ अवसर है जब प्रोफेसर नामवर सिंह जी आज एक ऐसे खुले संवाद के लिए हमारे बीच हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है। ये मुझे लगता है कि आज का जो संवाद होगा वो महान आर्काइवल वैल्यू का होगा, इसलिए आप भी इसमें शामिल हो सके तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब प्रोफेसर नामवर सिंह जी से अनुरोध है कि वे श्री शमशुर रहमान फारूकी की सत्य प्रकाशित किताब मीर की कविता और भारतीय सौंदर्य बोध का लोकार्पण करने की कृपा करें। शमशुर रहमान फारूकी की सत्य प्रकाशित कविता और मीर पर किया हुआ उनका काम विलक्षण कोटे में शुमार किए जाने योग्य है। हर्ष की बात है कि प्रोफेसर केदारनाथ सिंह आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं।
समकालीन कविता के वरिष्ठ हस्ताक्षर प्रोफेसर केदारनाथ सिंह लोक और नागर जीवन के अद्वितीय चितेरे हैं।